हम इस घर पे ऑलमोस्ट एक साल से काम कर रहे थे एंड इसलिए आई वांटेड दिस वीडियो टू बी स्पेशल। मेरे को चाहिए था कि ये वीडियो बहुत अच्छे से बने, लेकिन एक घर बनाने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आती है। मतलब एक एक कोना सोच समझ कर बनाना पड़ता है, बिकॉज ये हमारा पहला घर है, फर्स्ट हाउस है। सब कुछ वीडियो में आगे शेयर करूंगा मैं, लेकिन शुरुआत करते ये है एंट्रेंस। देख सकते हो एंट्री पे गणपति बाप्पा का होना बहुत जरूरी है। केश वाला AKA थगेश मिश्री, बट यू नो बहुत टाइम से एक ड्रीम होता है सबका कि ऐसे खुद का नाम हो, नेम प्लेट हो। यस, बाकी ये शू रैक है एंट्री पे। इधर सस्ते वाले शूज है, मेरे पास महंगे वाले स्नीकर्स है जो मैं अंदर आपको बताऊंगा। इधर क्या सस्ते वाले शूज रखते हैं, कितना भी अच्छा घर हो ना, शूज चोरी होने का चांसेस बहुत। इधर सब स्लीपर वीपर सब रख देते हैं हम लोग। बाकी यहाँ पे मिरर्स लगाए हैं बहुत सारे, एंड लाइट तो आप लोग देख ही सकते हो, मतलब आंख नहीं खुले आदमी का, इतना लाइट लगा दिया है। बाकी झाड़ प्लांट से तो हमें प्यार है ही, झाड़ लगाने को ऊपर नहीं गया भाई मैंने हिंदुस्तान पे। नाम जैकी श्रॉफ है, हम झाड़ लेके घूमते हर जगह पर। बट यस, एक टाइप से मैंने डिजाइनर को बोला था, अभी हम वो गुड्डू नहीं है जो लिबिड लिबिड करके लाइट स्टैंड लेके घूमेंगे, अभी हमको चाहिए फुल लाइट। हाँ, मतलब ऐसा ही कुछ हुआ था। फिर यहाँ पे एक और शू रैक है, पुराने इसके पहले वाले घर में कुछ ऐसा शू रैक था हमारा, ये शू रैक है। बट अभी आपको दिखाता हूँ हॉल, लिविंग रूम जहाँ पे लिव करते, जिसके बिना लिव नहीं करते। Clearly, I'm a liver. बट थिंग इज, सडनली मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने दुनिया का सारा टेंशन एक साथ अपने सर पे ले लिया। बिकॉज दिसंबर में मेरे घर का काम शुरू हुआ था, दिसंबर में हमने थगेश शो का काम शुरू किया था, एंड ये दोनों प्रोसेस पिछले 6-8 महीनों से चल रहे थे दोनों साथ में। एंड इतना ही नहीं, इसके साथ मैं हफ्ते के 4-5 वीडियोज़ डाल रहा था मेन चैनल और अनफिल्टर्ड चैनल, 2-3 वीडियोज़ शॉर्ट्स पे आ रहे थे, रील्स पे कंसिस्टेंसी कर रहा था। बिकॉज मैं जैसे ही थोड़ा भी काम करने बैठता, मुझे कॉल आता कि मुझे साइट पे जाना है। जैसे ही मैं साइट पे आता, मुझे कॉल आता कि ब्रांड के चेंजेस आए हैं वीडियो में। एंड ये एग्जैक्ट चीज काफी महीनों तक चल रही थी। एंड जैसे ही मैं अपने पीसी पर आकर बैठता, मुझे कॉल आता, थगेश शो के गेस्ट ने कैंसिल कर दिया है। ये स्ट्रगल मैं द मेकिंग ऑफ द थगेश शो में बताऊंगा, वो पूरा एक अलग स्ट्रगल है। ये घर बनाने में ना कितनी दिक्कत आई है सिर्फ मैं ही जानता हूँ। मतलब हर बार कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही थी फाइनल होने से पहले, एंड मतलब घर फाइनल होने के पहले की बात है ये। एंड इसके पहले इतने सारे घर देखे, एंड हर घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही थी। कभी कोई लोकेशन की प्रॉब्लम आ रही थी, कभी घर के अंदर कोई इशू आ रहा है, कभी बिल्डिंग के अंदर कोई इशू आ रहा है, एंड कभी मतलब ओवर बजट जा रहा था। एंड ऐसा लग रहा था कि अभी भाई क्या अब मैं प्लान ड्रॉप कर दूँ, मैं डिले पोस्टपोन कर दूँ, कुछ समझ नहीं रहा था। एंड आई रिमेंबर एक बार तो ऐसा हो गया, एक प्रोजेक्ट में हमने 90,000 का टोकन अमाउंट दे दिया था, एंड वो प्रोजेक्ट ही चालू नहीं हुआ। एंड पैसा तो तुमको पता है आता है नहीं उधर से, तो वो पैसा, एंड मतलब ऐसा था कि ड्रॉप होने के पॉइंट पे था प्लान, एंड हेल्पलेस फील होता है कि आप सब कुछ करने रेडी हो फिर चीज़ क्यों नहीं हो रही है। तो घर वालों ने बोला कि एस्ट्रोलॉजर से बात करके देख। मैंने बोला ठीक है, अब सब कुछ कर लिया है तो ये भी करके देख ही लेता हूँ कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है उसका क्या सॉल्यूशन मिल सकता है। एंड मेरे को एस्ट्रोटॉक के बारे में मालूम था, तो मैंने बोला चलो एस्ट्रोटॉक पे ट्राई करते हैं। एंड वहाँ पे संगीता जी से मेरी बात हुई, एंड आई स्वेयर उन्होंने सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। फिर जैसे ही उनसे मैंने बात की, उन्होंने मेरा डेट ऑफ बर्थ मांगा एंड टाइम मांगा, एंड सामने से उन्होंने बोला कि रिसेंटली आपको कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है एंड घर के लिए दिक्कत हो रही है। एंड मैं ये सुन के भाई शॉक हो गया। मैं बोला कैसे, क्योंकि मैं गया था एकदम जीरो एक्सपेक्टेशंस के साथ, एंड उनकी ये बात सुन के तो मेरे को पूरा ट्रस्ट आ गया संगीता जी पे। मैं बोला बताओ आप। फिर उनको मैंने सारा इशू बताया कि क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, एंड उन्होंने सारा देखकर मुझे बताया कि क्यों इश्यूज आ रही है, एंड दो मेरे को सॉल्यूशंस बताए जो उन्होंने बोला कि ये 9 दिन तक कंटिन्यूअसली करने हैं आपको। फिर पता नहीं चला कैसे चीज़ें चेंज हुई, लेकिन चीज़ें चेंज हुई। फिर उन्होंने मुझे डेट्स बताए कि कौन से डेट पे घर ब्लॉक करना चाहिए, एंड उनकी दी गई डेट पे जब मैंने घर ब्लॉक किया वो यही वाला घर था, जो कि एकदम स्मूथली सब कुछ हो गया।
गाइस प्रॉब्लम ना सबकी लाइफ में आती है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं यूट्यूबर हूँ तो मेरे लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएंगी, इन्फ्लुएंसर हूँ तो इसके लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर हो, फैमिली को लेकर हो, मनी को लेकर हो, या हाउस को लेकर हो, स्पेशली करियर और पैशन को लेकर सबके लाइफ में होती है। तो मेरा यही सजेशन है कि अच्छे एस्ट्रोलॉजर से जाओ, बात करो, एक डायरेक्शन और एक सॉल्यूशन मिलेगा आपको। तो जो मैंने ऐप यूज़ किया था एस्ट्रो टॉक, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एंड अगर मेरे लिंक से अगर आप जाते हो उस पर तो आपको फर्स्ट चैट आपके एस्ट्रोलॉजर के साथ फ्री में मिलेगी, सो वो क्लेम कर लेना। 6-8 महीने से यही सोच रहा था कि कब मैं सोफे पे बैठूंगा लिविंग रूम में और मस्त शांति से टीवी देखूंगा, बट अब लिविंग रूम में आई गए तो देख लेते ना लिविंग रूम। वन ऑफ द फेवरेट वॉल्स है, मेरे को बहुत पसंद है ये। रील वील में तो आप लोग ने देख ही लिया होगा, ये बहुत सुंदर दिखता है। जैसे ये पीकॉक फेदर वाला वॉलपेपर आया है, वैसे ही यहाँ पे कृष्ण भगवान की मूर्ति के पीछे हमने पीकॉक फेदर्स रखे। मेरा डे वन पे मैंने डिजाइनर को बोला था कि मुझे कृष्ण भगवान की मूर्ति चाहिए एंट्रेंस पे, वो भी बहुत सुंदर वाली। एंड मेरे को जो है कान्हा जी की मूर्ति मिली नहीं रही थी, फिर मैं महाबलेश्वर गया था तो वहाँ पे मुझे इतनी अच्छी मूर्ति लगी। एंड ये लाइक हैवी है, ये मूर्ति 16 या 17 किलो की है, तो मैं बोला मुझे तो यही चाहिए, तो मैं वहाँ से ये मूर्ति लेकर आया। एंड यहाँ पे लाइक पूरा हर जगह से, एंड ये मोरपंख जो है ये हमने मुन्नार से लिए, एलिफेंट मैंने लगाया है, ये मैं लाया था केरला से। सो हर जगह से बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें लाई है एंड यहाँ पे रखी है। बट थिंक ज़्यादा मेरे को टीवी देखने का टाइम ही नहीं मिला कुछ अच्छा कंटेंट, कभी एक साल में एक बार आया तो वही मैं देखता हूँ बस। एनीवेज आपको मैं किचन दिखाता हूँ, ये है मेरा किचन जहाँ पे मैं खाना खाता हूँ। बाकी किचन में तो तुमको क्या ही बताना है, देखो शेफ भाई है यहाँ पे, लेकिन मुझसे बड़ा शेफ destino ay linda esperanza de mi corazón। सेक्सी शेफ देखा है आपने कहीं? वो बोलते हैं ना 1000 खराब डिशेस बनाना शेफ नहीं होता, कुछ तो बोलते हैं ऐसा, लेकिन एक जो खतरनाक डिश बनाता है वो होता है रियल शेफ। मैं वही आज खतरनाक डिश बनाने वाला हूँ। डिश किधर है? You see the master of chef, I am the world's biggest chef. Marcelo Italiano, दुनिया का सबसे बड़ा शेफ है वो मैं ही हूँ। सबसे बड़ी रेसिपी है मास्टर रेसिपी, पानी गर्म करना। मेरे जैसा पानी गर्म करके कोई दिखाए। ये है वन ऑफ माय फेवरेट एरियाज, बालकनी। जब हम घर ले रहे थे तो मेरा एक ही डिमांड था, बालकनी देखना है। पूरा थाना देख लिया मैंने, बट ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ पे बालकनी मस्त हो। यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे मैं वटाना छीलता हूँ, बाउंस नहीं है इसमें बरोबर। एडिटर डू दी ऑनर्स। बट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ से मेरा पुराना वाला घर दिखता है, आपको मैं दिखाता हूँ। मतलब ये जो चौल है पीछे, यही चौल में रहते थे हम लोग। तो ऐसा थोड़ा अच्छा फीलिंग आता है देख के, मतलब ऐसे पास में ही है, ऐसे देखे तो चल के आने में 15 मिनट लगते, ऐसे देखे तो 15 साल लग गए। एंड ये जो सी शेल्स वाला झूमर है ये मैंने कन्याकुमारी से लिया था, कन्याकुमारी एंड ऑफ इंडिया गए थे, उधर मेरे को बहुत अच्छा लगा था तो लिया। एंड ये ड्रीम कैचर मैंने ध्यान से याद नहीं आ रहा, लेकिन आई थिंक ये पुष्कर से लिया था मैंने, पुष्कर राजस्थान से। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थोड़ी सी आउट ऑफ प्लेस लगती है ज़रूर, लेकिन एक एज अ मेमोरी हमेशा याद दिलाती है कि ये वहाँ से लिया था, ये वहाँ से लिया था, तो वो एक बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन इधर एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये जो काम चल रहा है वो नहीं, शाम को यहाँ पर वाइब बनती है, जो लाइट्स लगाई है ना उसका मज़ा शाम को आता है। दिखाओ कैसे, शाम का वाइब अलग ही है भाई। झूला, चाय और शांति, बस। कभी कोई नशा नहीं किया लाइफ में, लेकिन ये जो नशा है ना छूट ही नहीं रहा। आई आइडेंटिफाई एज चाय सेक्सुअल। ये कॉमन वॉशरूम है, कॉमन वॉशरूम आपको मैं दिखा देता हूँ।
ये है पेरेंट्स रूम। ये मेरे को मतलब जो बन गया ना, मेरे को ऐसा लगा कि ये मेरे रूम से बहुत ज्यादा बेटर है। और जब तक मेरे को पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कितना प्यारा लग रहा है ये वाला रूम, इसमें आवाज भी कितनी अच्छी आ रही है मेरी। आपको आपको मेरी आवाज की क्वालिटी अच्छी लग रही होगी यहाँ पे, पता नहीं क्यों। कोई बात नहीं, देख लो ये वाला भी। बट हमारा रूम भी कोई कम नहीं है, आपको मेरा रूम दिखा दो। Know some killers with some hollows, they gon' split your shit in two. Started in them trenches, gotta bend and break the rules. Had to get my money, I was in and out of school. Any many in the streets, you gotta walk and keep a tool. You gotta take a loss, knowing sometimes you can risk and lose it all. Hello! तो ये है मेरा रूम, ये है मेरा पर्सनल बेडरूम। आते ही संडा से, तुमको संडा से नहीं दिखाने का, मेरे को आते ही बाकी रूम दिखा देता हूँ। सबसे बड़ी लग्जरी क्या होती है, चार्जिंग स्लॉट इधर होना। मतलब मोबाइल तुम लोगों को पहले एक ऐसा था कि जिधर चार्जिंग स्लॉट रहे उधर जाके खड़े रहकर बात करना पड़ता। सबसे बड़ा लग्जरी, बाकी सब छोड़ो, गाड़ी बंगला सब, सबसे बड़ा लग्जरी बेड के बाजू में चार्जिंग स्लॉट होना। बेस्ट है कि ये बिस्तर है एंड ये टीवी है, टीवी देखते हैं हम रात को। बाकी मैं आपको मेरा वार्डरोब दिखा देता हूँ। ये वार्डरोब है हमारा, ये सारे जैकेट्स है अपने, बाकी खबरेज भाई के थोड़े सूट्स भी है, अभी फेंकने के हैं मेरे को। और खबरेज भाई के सूट रख के मतलब नहीं है घर में। आगे इस तरफ मोर जैकेट और जैकेट, जैकेट ही जैकेट है। हम लोग सोचते रहेंगे सारा इतना जैकेट है, फिर चार कपड़ा क्यों पहनता है घुमा घुमा के। देखो ऐसा रहता है, सबका फेवरेट एक टी शर्ट या वो रहता है जो वही पहनते हैं घूम फिर के। अरे ये देखो, ये आमिर शेख अभी थोड़े दिन में आ रहे हैं ना, तो उन्होंने ये भेज के रखा है। ये कपड़ा रखना हो गया है वो, अभी अपना उसका अलग है कुछ, कपड़ा भेज के रखा है, थोड़े दिन में आएंगे वो अनफिल्टर्ड चैनल पे। ये है हमारा वार्डरोब एंड जैसा मैंने उधर आपको बोला था कि स्नीकर्स है, मेरे पास ज्यादा कलेक्शन नहीं है, दो तीन ही रखे है, तो मैं दिखा देता हूँ। लेकिन दो तीन भी भाई ने सजा के रखे एकदम। ये भी वार्डरोब है, इधर मत देखना, बहुत 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 खराब रखा है सब मैंने। ये दो तीन है, ये एयर जॉर्डन ही है तीनों, है ना, ये तीनों एयर जॉर्डन है। देखो मेरे को मालूम भी नहीं, स्नीकर्स ले लिया है, बट मेरे को इसमें से सबसे ज्यादा ये वाला पसंद है, रेड एंड व्हाइट पसंद। एक्चुअली तीनों पसंद है, इसलिए मैंने तीन ही लिए। बाकी इधर बॉक्सिंग ग्लव्स है, कोई भी आया रूम में तो राड़ा करने के लिए। ये एडिटर कभी कभी आता है घर पे तो बहुत पीटता हूँ उसको, बट्टे पट्टे से मारता हूँ। आप लोगों ने एक्चुअली बहुत हद तक घर तो देख ही लिया है इसमें, अपने रील्स वगैरह में मैंने होम टूर इनडायरेक्टली दे दिया है। जो आप लोगों ने नहीं देखा वो है इसमें, इसमें है हमारी सामान है बहुत सारे। ये हमारे थोड़े बहुत गोलियां वोलियां है, जो बुढ़ापा हो गया क्या है, ऐसी वैसी गोलियां नहीं है, ऐसी सब गोलियां, अश्वगंधा है, रजनीगंधा है, ये सब है इधर। बाकी मेन अट्रैक्शन ये है हमारा परफ्यूम कलेक्शन। देखो जरा देखो, ऐसा नहीं लग रहा है स्टेशन पे परफ्यूम बेचने वाले बैठे रहते शीशी लेके छोटी मोटी। उसकी भी है, उसमें से भी एक परफ्यूम है इधर स्टेशन पे, मेरे को अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। ये इतर मैंने स्टेशन पे से लिया था, एकदम गुलाब जल है, पता नहीं गुलाब जल ही दिया है मेरे को तो लग रहा है। ये परफ्यूम कलेक्शन है, बहुत सारे परफ्यूम है इसमें, काफी मतलब एक्सपेंसिव साइड भी है थोड़े बहुत, बट थोड़ा वो शौक है मेरे को परफ्यूम्स का। तो अगर किसी को कभी मेरे को कुछ गिफ्ट देना हो तो आपको पता है क्या देने का, क्या देने का, जूते नहीं परफ्यूम, परफ्यूम देना है, परफ्यूम आ है। इसमें से मेरे सारे फेवरेट हैं, बट जो सबसे ज्यादा मैं यूज करता हूँ ये है एक डियोर होम इंटेंस। ये इवनिंग टाइप परफ्यूम है, थोड़ा इवनिंग में लगाने के लिए बहुत बढ़िया। बाकी ये जो सोने का बिस्किट एक मैंने यहाँ पे रखा है परफ्यूम की जगह पे, क्योंकि सोना मेरे को बहुत पसंद है, तो एक सोने का बिस्किट है यहाँ। जस्ट किडिंग, ये पाको रबान है, ये भी बहुत यहाँ पे कटा हुआ था वहीं पे मार दिया लगता है, मजबूत जला। बट यार ये कड़क है, ये वन ऑफ माई फेवरेट है। बाकी ये मॉर्निंग परफ्यूम्स भी है इधर, ये एक्वा दी जियो अरमानी है, सुबह सुबह लगा सकते हो बहुत बढ़िया आएगा। वर्साचे है, डॉल्चे एंड गबाना है, डियोर के है, बुल्गेरी है, मतलब है। मेरे को थोड़ा शौक है, ज्यादा चीजों के बारे में मेरे को पता नहीं, बट कुछ चीजों के बारे में पता है, उनमें से एक है परफ्यूम अरमानी कोड, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही क्लासिक टाइप परफ्यूम है। बेच नहीं रहा ऐसा लग रहा है, थोड़ा बेचना चालू कर दे, बट तुम लोगों को लेना है तो लो, नहीं लेना है मत लो, मेरे को क्या, मेरे को पैसा नहीं मिला। मेरा कलेक्शन बताओ, इसमें से शायद सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव ये है टॉम फोर्ड ब्लैक ऑर्चिड। बॉटल देखो भाई, बॉटल देखो, जस्ट किडिंग, परफ्यूम में मुंह में चला था ना अभी भाई, इधर ही लाश बनता मैं। ये बहुत डार्क और बहुत इंटेंस है, बट इट्स गुड। मतलब इसका ऐसा है कि 30 मिनट्स बाद जब आपके स्किन के साथ ये मिक्स होता है, थोड़ा आपके स्वेट के साथ मिक्स होता है, तब बढ़िया खुशबू आता है। बाकी कुछ कुछ यहाँ पर मैंने क्लोन भी ले रखा है, बहुत ही खराब, मैंने टेस्ट करता हूँ मैं पहले क्लोन लेके, बट ये क्लोन इतने खराब है ना, इसको बाथरूम में भी ना डालूं मैं। ओह हो 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 हो
ये 150 रुपए का आता है, ज्यादा कुछ है नहीं, बट इतना खराब क्लोन है, ये बुल्गेरी मैन का क्लोन है, इतना गंदा क्लोन है, मतलब कभी लेना मत जिंदगी में, बाथरूम साफ करो इससे। तो और क्या है, और बाकी यहाँ पे कुछ चीजें है रेगुलरली जो मैं यूज करता हूँ, हेयर सीरम वगैरह है, हेयर जेल, हेयर वैक्स वगैरह सब, या ये है परफ्यूम कलेक्शन, मैं पूरा एक परफ्यूम रिव्यू पे वीडियो बना सकता हूँ, बट अपना वो जॉनर नहीं है। और तो क्या है, फैन में मैंने लाइट डलवाई है, आपको दिखाता हूँ अभी इसमें लाइट। ये फैन का ऐसा रहता है कि इसमें रेगुलेटर नहीं रहता है, इसलिए रिमोट से ही चलता है, 1 2 3, तो कभी अगर इसका रिमोट घूम गया तो सोच समझ लो क्या होने वाला है। यहाँ पे हमने छुपी हुई चीज रखी है, बहुत बढ़िया एकदम, तो ऐसी चीज है ना तुम लोग सोचोगे कि बाप रे ये क्या है, इतनी सुंदर चीज आपने कभी देखी नहीं, दिखाऊं आपको। ये आदमी है, कौन है ये पागल आदमी? बट हम लोग ने ये हिडन मिरर डाला है इधर, अच्छा है, मतलब क्या है जगह नहीं है तो हिडन मिरर डाल दिया इधर उधर से, देख रहे हो सबसे सुंदर चीज कैसी लगी आपको, ये देखो, किसी को कानो कान खबर ही ना पड़ेगा, इधर मिरर भी है, बाकी तो सो वाइट, बाकी वो आ जा तू कुछ संडस दिखा तू, अभी थोड़ा गीला है क्योंकि अभी अभी हम नहाए हैं, हम नहाते हैं, यस हम नहाते हैं, तुम्हारी तरह नहीं है, नहीं नहाए हो ना, मेरे सच्ची बताओ नहीं नहाए हो ना, अभी तक मेरे को मालूम था नहीं नहाए, तू 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 यस तुम जो वीडियो देख रहे हो मेरे को पता है नहीं नहाए हो, नहा के आओ, नहाओ, आई प्रमोट नहाओ, फाइन। नहीं नहीं नहीं, आई थिंक बहुत टाइम हो गया है, वीडियो बहुत लंबा वीडियो हो गया है, आई थिंक स्टूडियो टूर के लिए एक अलग वीडियो तो बनता है, बिकॉज अंदर भी बहुत कुछ ऐसा है इंटरेस्टिंग चीज है जो दिखानी है आपको, इतनी सारी डिटेलिंग है जो आप लोग को बतानी है, स्टे ट्यून्ड फॉर स्टूडियो टूर का अलग वीडियो आएगा। यस गाइस, ये था होम टूर, बट जैसा मैंने बोला वहाँ से यहाँ आने ऐसे 15 मिनट्स लगते हैं, लेकिन वैसे 15 ईयर्स लग गए, एंड बहुत डीप बात है ये। अगर आपने मेरा पहला सेटअप देखा होगा, मतलब चैनल पे जाके अगर आप ओल्डेस्ट वीडियो फर्स्ट करोगे तो आपको दिखेगा कि सिर्फ एक वॉल है, एंड लिटरली लाइक वो वॉल के बाहर मैं दिखाता ही नहीं था, बिकॉज दिखाने लायक था ही नहीं, वो एक ही वॉल था जो प्लेन वॉल था जो मैं दिखाता था। फिर थोड़े बहुत जब यूट्यूब से पैसे आने शुरू हुए तो फिर ये वाला सेटअप हम लोग ने किया, फिर थोड़ा और ग्रो किए तो फिर हम थोड़ा सा शिफ्ट हुए रेंट वाली जगह पर, बट अगेन अगर कोई घर आपका रेंट का है तो आप उसमें ज़्यादा चीज़ें कर नहीं सकते, मैंने खाली प्ले बटन्स लगाए थे उसमें भी मुझे इतनी दिक्कत दी कि मेरे को एंड में निकलना ही पड़ा वहाँ से। बट यू नो हमेशा से सबका एक ड्रीम होता है कि एक अच्छा घर होना चाहिए, एंड मेरा भी हमेशा से यही ड्रीम था कि एक एक डिसेंट अच्छी सोसाइटी में घर हो। मुझे अभी याद है मैं जब जिम से बहुत पहले चल के आता था तो वहाँ पर एक सोसाइटी है, वहाँ पर मैं हमेशा से देखता था कि यार इसमें घर होना चाहिए, ये वाली बिल्डिंग में घर हो तो कितना मज़ा आए, मतलब आप सब फ्रेंड्स को बुला सकते हो, आपको थोड़ा सा अजीब ना लगे किसी को बुलाने में। तो हमेशा से मेरा बस लाइफ में कोई गोल नहीं था, बंगला नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, बस एक डिसेंट सोसाइटी में घर चाहिए। बट फिर जब मैंने उस सोसाइटी में देखा घर तो मेरे को थोड़े से छोटे लगे, बट येस फिर बहुत ढूंढा एंड फिर यही घर मेरे को अच्छा लगा। सो यस, यही था होम टूर वीडियो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, चैनल पर नहीं हो तो डू सब्सक्राइब, एंड स्टूडियो टूर वीडियो तो आ ही रहा है, बहुत जल्दी आ रहा है, मैंने एक्चुअली इसलिए नहीं डाला क्योंकि इसमें बहुत कुछ है बताने के लिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि मैं बताऊँगा, पीसी सेटअप मेरा क्या है, मेरा बैकग्राउंड कैसे है, मैं बैकग्राउंड चेंज कैसे करता हूँ, खबरेश वाला बैकग्राउंड कौन सा है, सब कुछ स्टूडियो टूर वीडियो में आएगा। बट ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल पे नहीं हो तो डू सब्सक्राइब, एंड सो सॉरी इतना टाइम वेट कराने के लिए आपको, बट या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पीस आउट।